के साथ हम सीखे हदीस सादर सादिया देखो सिखाते अदब हमको। ये बाबर भाई ने क्या किया? तीन बार नाक में पानी चढ़ाने वाली सुन्नत तो उन्होंने मिस कर दी। बाबर भाई, क्या आपको मालूम है कि वुजू में कितने फर्ज और कितनी सुन्नतें हैं? नहीं साथ भाई, लेकिन मुझे वुजू करना तो आता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वुजू में कितने फर्ज और कितनी सुन्नतें हैं। बाबर भाई, मुझे भी ये बाबा जान ने बताया है, पहले मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, चले मैं आपको बताता हूँ। वुजू में चार चीजें फर्ज हैं। नंबर वन, पूरे चेहरे को एक बार धोना। नंबर टू, एक एक बार दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर थ्री, एक बार चौथाई यानी 1/4 सर का मसा करना यानी गीला हाथ सर पर फेर लेना। और नंबर फोर, एक एक बार टखनों समेत दोनों पैरों को धोना। और सुन्नतें? मैं आपको वुजू की कुछ खास खास सुन्नतें बताता हूँ। सबसे पहली सुन्नत है वुजू की नियत करना। दूसरी सुन्नत है बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर थ्री है पहले दोनों हाथों को 3 बार धोना। हाथों को धोना? लेकिन आपने तो बताया था कि दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना फर्ज है। जी बिल्कुल, वो तो फर्ज है, लेकिन दोनों हाथों को 3 बार यहाँ इस हड्डी तक धोना सुन्नत है। अच्छा, चौथी सुन्नत है मिसवाक करना। पर 5 है सीधे हाथ से 3 मरतबा कुल्ली करना। नंबर 6 पर है सीधे हाथ से 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना। ओहो साद भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो नाक में पानी चढ़ाता ही नहीं था। कोई बात नहीं, अब्बू ने बताया था कि वुजू में अगर कोई सुन्नत मिस हो जाए तो वुजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सुन्नत मिस होने की वजह से सुन्नत के सवाब से जरूर महरूम हो जाते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि अब कोई भी सुन्नत मिस ना हो। इंशाअल्लाह साथ भाई, लेकिन पहले बाकी सुन्नतें तो बताएं। जी बता रहा हूँ बाबर भाई। नंबर 7 पर है उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करना। 8 पर है दाढ़ी का उंगलियों से खलाल करना। दाढ़ी? मेरी तो दाढ़ी ही नहीं आई। अभी हम छोटे हैं बाबर भाई, जब हम बड़े होंगे तो इंशाअल्लाह आपकी भी दाढ़ी होगी ना। वैसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमेशा अपने चेहरे मुबारक पर दाढ़ी सजाई है। सुभानअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं भी बड़ा होकर दाढ़ी रखूंगा। चलें मैं आपको बाकी सुन्नतें बताता हूँ। नंबर 9 सुन्नत है हाथ पांव की उंगलियों का खलाल करना, मतलब इस तरह करना। नंबर 10 पर है वुजू में जो जो हिस्सा धोया जाता है उसे 3-3 बार धोना। 11 नंबर है पूरे सर का 1 बार मसा करना। अच्छा, यानी 1/4 सर का मसा करना फर्ज है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत? जी ऐसा ही है। 12 पर है बॉडी पार्ट्स को इस तरह से धोना कि एक पार्ट को सूखने से पहले ही दूसरे को धो लेना। 13 नंबर है दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे हैं उस पर गीला हाथ फिरा लेना। 15 है कानों का मसाह करना। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह साथ भाई, आज आपकी वजह से मुझे वुजू के फर्ज और सुन्नतें पता चल गईं। अब इंशाअल्लाह मैं इन्हें हमेशा याद रखूंगा और अपने वुजू को पहले से भी बेहतर बना लूंगा। और प्यारे बच्चों, आप भी वुजू की ये सुन्नतें और फर्ज अच्छी तरह याद कर लें। और अगर कोई बात मिस हो गई हो या याद नहीं हुई हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख लें। जज़ाकअल्लाहु खैरा। सादर सादिया के साथ हम सीखे हदीस।